हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दिखा रहा हूँ आपको डॉग को जर्मन शेफर्ड। ध्यान से देखिएगा इसका एंगुलेशन और श्लॉक। ये देखिए जब बच्चे वॉक करते हुए, ये देखिए एंगुलेशन देखिए आप, बिना कुछ किए। ये देखिए एंगुलेशन, टेल, वॉकिंग। दोस्तों, यही रीज़न था कि मैं अपने ब्रीडिंग को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था मैं। और ये बच्चे जहाँ जा गए, मदुरई, उड़ीसा, मुंबई, वो सब जामनगर, वो सब एक से बढ़कर एक में कन्वर्ट होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज इस जितने भी पप 6 के 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग थे। ये देखिए अब सो फ्रेंड्स, आप ये देखिए वॉकिंग स्टाइल सुपर लाजवाब। ये देखो एंगुलेशन, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली है, बाय बर्थ ही है, ब्लड लाइन है। मदर की एंगुलेशन शार्प है, बिना पकड़े, मतलब आपने देखा मदर का। फादर का एंगुलेशन बहुत परफेक्ट है, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। तो नोट, और बच्चे तो देखो अल्टीमेट होंगे होंगे। और इसके साथ के बच्चे हर एक जगह जा रखे हमारे, सो होप फॉर द बेस्ट। 1 साल बाद फिर रिव्यू डाल दूंगा, इनफैक्ट अभी 6 महीने बाद फिर 1 साल बाद ही कैसे बन रहे हैं। बाकी मेरी ये बच्ची तो मैं घर पर रखा अपने लिए, मैंने ये मैं तैयार कर रहा हूँ, बाकी वो सब मेरे दो बाकी दो जो मेरे लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे वो तैयार होंगे उनका फीडबैक भी लाते रहूँगा मैं कि भाई ये कैसे बच्चे बन रहे हैं। ये लैब के बच्चे खेलते हुए, ये देखो लैब के पीछे लगा पड़ा। टेल देखिए लॉन्ग, 6 के 6 बच्चों को टेल जो था बिल्कुल लॉन्ग था। आज कस्टमर फीडबैक भी वीडियो आया एक आधा, वो भी डालूंगा वेरी सून। नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। लेबू भाग जाओ, भागो 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 भाग वो भाग गया वो। लेबू भाग जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, इसे तान हो गया। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, छोड़ दो भाई उसका पीछा। दो हाँ दोस्तों, टेल ये देखो आप, टेल देखिए दोस्तों, कल मूवमेंट है, डाउन देन अप, डाउन देन अप। ये देखिए टेल देख ली, परफेक्ट टेल। लॉन्ग को जब या जर्मन शेफर्ड में कहता है, जो टेल जितना लॉन्ग होगा, जमीन में टच होगा, उतना बढ़िया, मतलब इनकी क्वालिटी मानी जाती है। सो आप देख सकते हैं टेल बिल्कुल जमीन में टच है। ये देखो ये छाँव में थक चुके हैं, ये सुबह से खेलते हुए अभी छाँव में रेस्ट कर रहे हैं। ये सारे के चारे मेरे लैब्राडोर के गैंग, ये मेरे जर्मन शेफर्ड की बच्ची। तो आपने दोस्तों देखा कि कैसे मैंने, किस तरह मैंने सभी डॉग्स को बड़े करके, पपीज़ को बड़े करके, फिर बेसो अंडर एज पपी में देता मैं। और आप देखो ये पपीज़, इससे छोटे उम्र के बच्चे तो लोग बेच चुके होते 10 बार, बट अभी तक मैंने एक ही पपी का मैंने सेल का ना ऐड लगाया, ना उनको मैंने बोला भी है अवेलेबल। हाँ, जैसे ये बड़े हो जाएंगे, इनको वैक्सीनेशन लग जाएगा, तो इनको अपने घर भेजेंगे। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। एक मतलब आप मार्केट में नहीं, मैंने बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, जो अंडर एज पपी नहीं सेल करते हैं, और क्योंकि वो डॉग लवर प्लस एक प्रॉपर ब्रीडर होते हैं। बाकी अगर देखो अभी इस उम्र में आराम से पपी मार्केट को पता, मार्केट में आपको सेल होता है, इनमें कई लोग हैं, बाकी बच्चे मुझे दो भैया इस एज के बच्चे हम पाल लेंगे, पर मैं उनको मना कर देता हूँ भाई नहीं भाई, इस एज के बच्चे मैं आपको नहीं दे सकता मैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पैसे से दूर हट के अपना कैरेक्टर को स्ट्रांग रखना, इन बच्चों के बारे में सोचना, बच्चों के केयर के बारे में सोचना। इन पर एकदम एक्स्ट्रा केयर लग रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मेरे बच्चे जो वो अल्टीमेट बनने वाले। और ऐसे जम्मू से बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जाएंगे तो सोचो क्या बनेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट है अगर आप हम जैसे हमसे लेते हैं, तो ये आपके क्वालिटी के लिए आप बेफिक्र करो, आप भूल जाओ किसी बाइक का कोई मतलब इशू आएगा। ये देखो सारे बच्चे गोलू मोलू बच्चे लैपटॉप रुके, अगर वो पंगी लेते हैं, बच्चा फुल फुल हेल्थी है, बहुत एक्टिव पपी है। आ जाओ बेटा, चलो गुड 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 गुड, चलो। सो दोस्तों, अगर ये बच्चे पसंद आए हो एंड वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लेट देम एंजॉय। इनकी तो लगी रही आपस में। ये देखिए टेल परफेक्ट एंगुलेशन बिना स्टैक का, अगर स्टैक लगाओ खुद सोच कि खूबसूरत बच्ची बनेगी है।
देखो टेल मूवमेंट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत प्यारा। एंड होप फॉर द बेस्ट, जैसे बड़ी बड़ी होगी और वीडियो लेकर आता रहूँगा आता रहूँगा उसका मैं, ताकि और भी इसको क्लियर देखते रहें 3 महीने के 6 महीने के, ताकि पता लगता है आपको। आप लोग जोया करते तो जोया अभी थोड़ा सा जोया का शेडिंग पर चल रहा है, उसके हेयर शेड हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, जैसे ही वो न्यू हेयर फॉल आते हैं फिर उसको बहुत ही प्यारा वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत फीमेल बननी दोस्तों वो। ये देखो